बच्चा अपने सपने लेकर इस शहर में आता है, ये सपनों का शहर, हादसों का शहर है। एक शेर कहना चाहूँगा, एक कदम क्या उठा रहा है जिंदगी में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। उसी तरह से मेरा ये बेटा जिद करता है कि मुझे मुंबई में जाना है, तो कलाकार बनना है। गाँव में ये रामलीला वगैरह करते रहते थे, बहुत सारे किए, मैं तो आकांक्षी था। कहीं ना कहीं जाके माँ बाप को झुकना पड़ता है बच्चों की खुशी के आगे। जब बच्चा अपने सपने लेकर इस बॉम्बे में आता है तो उसको किस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, वही कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी जिंदगी मुंबई में। मैम आप बताइए। मेरा नाम अंजना दास है, मैंने इसमें वनराज की बड़ी कैरेक्टर प्ले किया है और बहुत सीधी सी हूँ। घर का सारा काम मेरे डैड से करवाते हैं और घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर होता है तो मेरा भाई हमेशा मेरे पास आता है, तो मैं उसको उसमें सपोर्ट करती हूँ कि कैसे मॉम डैड से बात करनी है, या फिर कभी कभी अपने रामलीला से जब ये लेट आते थे तो उनको मैं खाना छुपा के मार्क्स देती थी कि मतलब उनको ना पता चले, और मैं इस तरीके से उसको सपोर्ट करता हूँ। तो मैं उसमें वनराज की सिस्टर हूँ। तो कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान, बताइए? शूटिंग के दौरान अच्छा था, बिकॉज क्योंकि ये टीम वर्क है और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे और सारे आर्टिस्ट, मतलब लगता नहीं था कि मतलब हम ओरिजिनल, मतलब लगता था कि ये ओरिजिनल बात करवा, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कैमरा कैमरा जी मैडम, क्या कहना चाहिए? दोनों कहानी अच्छी है, जो हीरो आता है मुंबई, मुंबई में वो हमारे से मिलता है, दिस वे में मेरा कैरेक्टर है, विच आई एम लविंग इट। कैसा आपका कैरेक्टर है? लॉन्च होने जा रहा है। वेरी रिच कैरेक्टर, वेरी रिच कैरेक्टर, और आप देखेंगे आपको पता चलेगा। इससे पहले क्या क्या किया था, इसके बाद क्या कुछ प्लान है? देखिए, दिल्ली की है, फिल्में करी हैं दिल्ली में, बहुत मीडिया से इंटरेक्शन होता रहता है। मुंबई में इस फिल्म से जुड़े नाम मुंबई, जिंदगी मुंबई, आई एम लाइकिंग इट। और कुछ कहना चाहिए? और अब हमारे व्यूअर्स कहेंगे। थैंक यू। रेडी ऊपर कर दीजिए ना, ऊपर ऊपर फेंक दो। जिंदगी मुंबई, जिंदगी मुंबई, जो बैठ सकते हैं बैठ जाए। हमारे वनराज भाई बहुत मेहनत इन्होंने करी है, और सच में एक बतौर एक्टर के लिए बहुत नामुमकिन होता है ऐसे दृश्यों को देना जो हमारे लीड एक्टर वनराज सिंह ने दिया है। और हमारे बीच अरम भाई है, इनके पूरे कैरियर की एक ऐसी ये फिल्म होगी जो अभिनय इन्होंने इसमें किया है, और इनके अभिनय का तो सच में मैं कायल हो गया हूँ। हमारा लखनऊ कानपुर तो है ही है, लेकिन मैं कायल हुआ, और इन्होंने अपने अभिनय से जिंदगी मुंबई को बहुत सजाया है। हमारे बीच हमारे लीड एक्टर सोनिया शर्मा है, और आप सब तेनालीरामा देख रहे होंगे, समय बहुत मज़ेदार सीधा जा रहा, मैं भी देखता हूँ, उसके लीड एक्टर हैं। और हमारे ये कुछ नसीबी की बात है कि हमारी फिल्म से और डेब्यू कर रही हैं, जी फिल्म से डेब्यू कर रही हैं बॉलीवुड मूवी में, और उर्मिला शर्मा जी हैं, इनको तो सभी मेहनत के साथ साथ दुआएं बांट रही हैं, और हम थैंक्स कहते हैं आपकी इन दुआओं के लिए कि आपने सभी लोगों के लिए दुआ कर ली है, और दुआ का नतीजा ये है कि जिंदगी मुंबई सफलता के इंजाम को छू रही है। और इस टीम में दो लोग बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया अपने दुआओं से, अपने साथ में, अपनी मेहनत से, सब चीज़ों से बनकर ये फिल्म तैयार हुई है,
और फिल्म के सभी कलाकार अंजना दास और ब्रज किशोर तिवारी जी यही खड़े होंगे कहीं पर। इसके बाद इस फिल्म को सजाने के लिए हमारे जो भाई हैं, एक जादूगर है हमारे पास जिसका नाम नितेश तिवारी है। अगर आपके पास कभी कोई काम ना बन रहा हो तो नितेश तिवारी को याद करिएगा, सारे काम हो जाएंगे। सच में जादूगर है और अभी आप एक इनका जादू बड़े पर्दे पर देखेंगे भी। और हम चाहेंगे नितिन भाई आप जाके तैयारी करा दें। हाँ, तैयारी करा के जाइए। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में आपको जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर भी हमारे बीच में मुस्कान होंगी। मुस्कान कोमल जो है हमारे एक्चुअली मेन पिलर्स हैं, जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता था। मुस्कान हाँ मुस्कान ये है जिंदगी मुंबई, ये है असली जिंदगी मुंबई। और कहाँ पर मुस्कान? मुस्कान आओ सब आ जाओ जल्दी से, बुला लो जो है बुला लो। बरसा आजा। ये वो लोग हैं जिनको बहुत से लोग कैसे कैसे नजरों से कैसे कैसे, लेकिन ये जिंदगी मुंबई का के फैमिली मेंबर्स हैं। इंट्रोडक्शन अपने आप दो। आई एम वर्षा ओके और माय फैमिली इज ओडिशा, लेकिन मैं मुंबई में यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे मुंबई में कुछ छोटा मोटा जॉब करती हूँ, तो ऐसे ही मेरी पेट को ठीक है। तो वेरी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है मुस्कान। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते करना चाहती हूँ, फिर सबसे पहला हमारे मैडम को नमस्ते करना चाहती हूँ। इस मूवी इतना अच्छा है, इस मूवी में ना लोग देख के ना इस मूवी को बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि इस मूवी ऐसा है अपने जिंदगी के सबसे ये होती है। ये मूवी बहुत अच्छा है, बोले तो सबसे अलग है, हटके है, कोई भी देखेगा ना ये मूवी को बहुत लाइक करेगा। सच्चाई की तरह, हाँ सच्चाई हकीकत जो है होती ना इसमें वो हकीकत दिखाया गया है। थैंक यू। और इस फिल्म को बनने के बाद जो आज हम यहाँ समारोह में है, पोस्टर रिलीज कर दिया, जिंदगी मुंबई रिलीज हो रही है। नीचे आप देख सकते हैं, मैं दिख रहा हूँ उसमें बिग कर्टन्स मीडिया रिलीज और ऑल ओवर इंडिया रिलीज कर रहे हैं। और इसको रिलीजिंग करने में भी हमारे बहुत से लोग हमारे साथ थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने बहुत मदद करी, बहुत परेशान हुए बीच में, हम जगह जगह गए, लेकिन हमारे बीच हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं इंग्लिश योगी लव के फंडे के, प्लीज़ भाई प्लीज आइए। ये वो लोग हैं जो सच में निस्वार्थ दोस्ती निभाते हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं, थैंक्स करते हैं। और हमारे बीच बहुत मशहूर संगीतकार हमारे बुगले भाई कृष्ण भाई, हम चाहेंगे वो भी आगे आ जाएं। इन सब में मेरा बचपन का अंगूठिया यार, मेरा दोस्त है बुनियाद अहमद खान जी भाई, वो फिल्म का हीरो है। तो प्लीज ट्रेलर हमारा रेडी है, आप बैठ के देखें, और देखने के बाद हम चाहेंगे अगली विशेष हमारे लीड एक्टर बनराज सिंह, सोनिया शर्मा और अरविंद वाले सिंह जी के लिए जरूर होंगे। थैंक यू। फिल्म के विषय के बारे में और जानना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर के तौर पर क्या चैलेंज था इस फिल्म को बनाने में? देखिए ये फिल्म जो है जिंदगी मुंबई, सबसे बड़ी बात है हमारे जो बैनर है ये बैनर पहला कदम है बॉलीवुड के लिए, और इस पहले कदम के लोग जहाँ आज लव स्टोरी मार धार की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ हमारा बैनर ऐसे सब घटनाओं पर फिल्म बनाने के लिए अच्छा करता है जो सच में जनता के बीच भावनात्मक विषय को लेकर हम पहुँचे। कास्ट के बारे में पूछना चाहिए, कास्ट कौन है, डेब्यू कर रहे हैं ये लोग, और कोई मून पर चेहरा इस फिल्म में? हमारी फिल्म का जो लीड एक्टर है बनार सिंह, गुजरात के बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, और हिंदी में हमारी फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया है। एंड देन सोनिया शर्मा जो टेलीविज़न के एक मशहूर कलाकार है, और तेनालीरामा में फिल्म में एक्ट्रेस है, उन्होंने हमारी फिल्म से डेब्यू किया है। और ये फिल्म नहीं थी, ये इनके लिए एक अपने जीवन का जो संघर्ष जो एक एक्टर का होता है उस संघर्ष को पूरा इन्होंने जीत लिया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। अब ये यहाँ से जब इस बॉलीवुड से कदम रखने के बाद जिंदगी मुंबई के बाद एक अच्छे तौर नायक और नायिका के रूप में जाने चाहिए। नितिन जी आप बताइए करने के दौरान क्या करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, किस तरह से मैसेज देगा जब पर्दे पे आएंगे लोगों को क्या मैसेज देना है? देखिए अनुभव बहुत अच्छा था, इस फिल्म से ये मुझे ज़्यादा अनुभव मिला कि सब लोग जानते हैं कि स्ट्रगल इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं,
कलाकारों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो भी लोग कहीं ना कहीं एक टाइम पर किया ही होगा वो स्ट्रगल, उनको बोलने में या उनसे समझाने में दे रही है आज की जनरेशन में जो एक क्रेज चल रहा है, लोग हर
परिवार छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, सब छोड़ के मुंबई में आ जाते हैं, कुछ बनना चाहेगा, उनका पैशन होता है, वो पैशन इतने लेवल तक होता है कि वो काफ़ी कुछ स्ट्रगल करता है, काफ़ी कुछ पेन सफ़र करता है और अपने फैमिली से दूर होके ना चाहते हुए भी उसका सपोर्ट नहीं चाह पा सकता है और आखिर में उसका अंजाम ऐसा हो सकता है। तो इतना सोशल और इतना क्लियर मैसेज दे रही है कि जो भी है एंटी वेल्टी क्या है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसका मोरल सपोर्ट साथ के साथ में लेके ना तो उसके अगेंस्ट में जाके कुछ भी काम करो। को लेकर रियल लाइफ स्टोरी पे है कि अच्छी चलेगी फिल्म, देखते क्या चलता है।